नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं अवैध सादिक, आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल नूरी वजीफ़ा। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए जादू के असर को ख़त्म करने का बहुत ही उम्दा लाजवाब अमल लेकर के हाज़िर हुए हैं। दोस्तों, जादू एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को बर्बाद कर देती है। दोस्तों, जादू करवा दिया जाता है, तमाम सारे जलने वाले आपके दोस्त अहबाब या रिश्तेदार या पड़ोसी, दोस्तों आजकल जलन और हसद बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, कोई भी जलन हसद की वजह से जादू आपके ऊपर करवा देता है और दोस्तों जादू की वजह से आप परेशान हो जाते हैं। जादू कोई बीमारी की शक्ल में भी आ सकती है। दोस्तों, जादू आपके ऊपर अगर हुआ है तो दोस्तों आपका जी भी उलझ सकता है और तमाम सारी आपको परेशानियां हो सकती है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह सकता कि जादू की वजह से आपके सर में दर्द होता है या पेट में दर्द होता है। दोस्तों, कोई भी बीमारी आ सकती है। जादू का असर जल्दी ख़त्म नहीं होता, जल्दी ज़ायल नहीं होता है। जादू के असर को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही लाजवाब और बहुत ही ताकतवर अमल आपके सामने लेकर के हाज़िर हुए हैं। दोस्तों, यकीन जानिए कि बहुत ही जल्दी आपको फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। जो भी मरीज होगा उसके ऊपर आप इस अमल को आराम के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, एक परहेजगार आदमी जिसको कुरान पाक के बारे में मालूमात हो, यानी कुरान पाक तलफ़ुज़ की अदायगी के साथ पढ़ लेता हो, तो दोस्तों वो इस अमल को पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। वरना दोस्तों, कोई भी इस अमल को पढ़ सकता है। कुछ ऐसी आयतें जो आपके सामने पेश करते हैं, वो आयतें आपको पढ़ना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको एक बार पढ़ना है और दोस्तों अलहम्दु शरीफ आपको 7 बार पढ़ना है। फिर दोस्तों आपको आयतुल कुर्सी 7 बार पढ़ना है। फिर दोस्तों कुलिया अय्युहल काफिरून आपको 7 बार पढ़ना है। दोस्तों सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद आपको 7 बार पढ़ना है। सूरह फलक कुल अऊदु बिरब्बिल फलक ये आपको 7 बार पढ़ना है। और सूरह नास कुल अऊदु बिरब्बिन नास ये भी आपको 7 बार पढ़ना है। दोस्तों, इन तमाम सारी चीज़ों को 7-7 बार आप पढ़ लें और फिर मरीज़ के ऊपर ऐसे ही दम कर दें। दोस्तों, मरीज़ के ऊपर आपको दम करना है, ये सारी चीज़ें फिर आपको दोबारा पढ़ना है। दोस्तों, दोबारा पढ़ लेने के बाद आपको पानी के ऊपर दम कर देना है। और दोस्तों ध्यान रखना कि वो पानी मरीज़ 12 घंटे के अंदर ख़त्म कर दे, एक एक घूंट करके पिलाए मरीज़ को। दोस्तों, जितना पी सके उतना पिलाए, लेकिन 12 घंटे के अंदर उस पानी को ख़त्म करना है। दोस्तों, पानी आप कितना भी ले सकते हैं, एक बोतल में ले सकते हैं या दोस्तों आधा बोतल भी ले सकते हैं। ये एक बात जान लीजिए कि परहेजगार आदमी इस अमल को करे तो दोस्तों बहुत जल्दी शिफा मिलेगी। दोस्तों, इस अमल को करना कितने दिन है, 7 दिन मुसलसल करना है। दोस्तों, बिला नागा करना है। और दोस्तों, इस अमल को हर शख्स को इजाजत है, कोई भी शख्स इस अमल को कर सकता है। जादू, सिर्फ जादू को खत्म करने के लिए आयत बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बाबरकत वाली आयतें हैं। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, 7 दिन के अंदर जो जादू का मरीज होगा तो मुकम्मल उसको शिफा मिल जाएगा। दोस्तों, कैसा भी मरीज़ हो, दोस्तों बिल्कुल ये गारंटी के साथ ये बात आप लिख लीजिए कि आपको 7 दिन के अंदर, या कोई भी मरीज़ होगा उसको 7 दिन के अंदर ज़रूर शिफा मिलेगा। 7 दिन सिर्फ आपको करना है। कैसा भी जादू हो, इतने भी बड़े जादूगर ने जादू किया हो, आप इस अमल को करें और इससे फ़ायदा ज़रूर हासिल करें। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा हासिल करेंगे और वीडियो को लाइक करके मेरी हौसला अफजाई करें, ताकि हम इसे अच्छे अच्छे वीडियो आपकी खिदमत में लाते रहें। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों खिदमत खल्क की नीयत से इस वीडियो को तमाम सारे लोगों तक शेयर ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट में कमेंट भी आप कर सकते हैं, जो कुछ भी आपके मन में सवाल हो। प्यारे दोस्तों, अब मुझे दें इजाज़त, अगले अच्छे बेहतरीन और नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।